नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज उदयपुर के उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली का जन्मदिन था, जिसे आज एक समारोह के तौर पर मनाया गया। आज गोगुंदा में महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल पर उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली का जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन को मनाने के लिए जो है दारमदारी थी पपुराणा भील और भाजपा मंडल महामंत्री डीसी मेघवाल पर। इन दोनों लोगों ने विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कॉल किया। इनके कॉल पर, इनके आह्वान पर भारी संख्या में जो है विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण पहुंचे, पुष्कर तेली राज तिलक स्थल पर पहुंचे, अपने परिजनों के सहित पहुंचे और यहाँ महादेव जी की बावड़ी के पास में जो पौराणिक शिव मंदिर है, यहाँ पर इन्होंने शिव जी के दर्शन किए, आरती की, पूजन अर्चन यहाँ पर किया और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ वो समारोह स्थल पर पहुंचे, जहाँ पर लंच की व्यवस्था यहाँ पर की गई। इसके साथ ही यहाँ का जो एमपी थिएटर है उसी के अंदर समारोह का आयोजन किया गया। उससे पहले भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर और मालाओं के द्वारा उनका स्वागत किया और उसके बाद भाजपा की बैठक के जैसा एक माहौल हो गया। लोग शायद कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सरकार पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी और ये आपके प्रयास से ये काम हो पाया है। बाकी दूसरी जगह हम देखेंगे रोज अखबारों में आता है कि ये नहीं हुआ, नहीं, लेकिन जो आपकी तत्परता और जिस प्रकार से आपने जो हम सभी का ध्यान रखा और हम सभी कार्यकर्ताओं का, पूरी विधानसभा का आपने ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपने जो प्यार और स्नेह दिया, अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि मुझे और भी तन मन धन से आप सबकी और पूरी पार्टी की और अपने क्षेत्र की सेवा करनी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को 21 साल की उम्र में प्रधान बनाया और आज 27 साल की उम्र में उदयपुर का उपजिला प्रमुख बनाया। ये अगर संभव है तो इस भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी गोगुंदा का भी प्रधान बनूंगा और उदयपुर का उपजिला प्रमुख बनूंगा। 26 तारीख के दिन अपने पिताश्री के ऑफिस में हम सब लोग बैठे थे, वहां पे एक विचार हुआ कि भाई क्यों नहीं पुष्कर को अपने पंचायत समिति का चुनाव लड़ावे। हम 4 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी ने बोड़ी से मुझे पंचायत समिति का प्रत्याशी बनाया और 16 तारीख के दिन मैंने चुनाव लड़ा और सभी के आशीर्वाद से चुनाव जीता और 7 तारीख के दिन पंचायत समिति का प्रधान बना। ये अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आने वाले समय में आपकी पूरी अपने पूरे विधानसभा में मैं किसी भी प्रकार की सेवा में, काम में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपका आशीर्वाद और स्नेह इसी प्रकार बना रहे। आज आप सब लोग यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय। ये जो पूरा जो आयोजन था इसको लेकर आज दिन भर गोगुंदा में चर्चाएं रही। शाम को गोगुंदा के प्रताप चौक में व्यापार मंडल के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया गया, काफी सारे गुब्बारे लगाए गए। इसके साथ ही यहां पर आतिशबाजी की गई और केक काटे गए। ये सिलसिला सुबह से शुरू हो चुका था जन्मदिन मनाने का। जिला परिषद में भी जिला परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इनका जन्मदिन मनाया। तो कुल मिलाकर आज दिन भर जिले भर में अलग अलग जगहों पर पुष्कर तेली के दिन को लेकर आयोजन होते रहे और उनका बर्थडे केक काट कर जो है उनको शुभकामनाएं ढेर सारी दी गई है। इस दौरान गोगुंदा प्रधान सुंदर देवी, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह ज्याला, बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा, कोटड़ा के पूर्व प्रधान मुरारीलाल भुमरिया, गोगुंदा के पूर्व उप प्रधान पपुराणा भील, एडवोकेट कमलेश शर्मा, पन्नालाल तेली, बाबूलाल सुथार, गोगुंदा मंडल अध्यक्ष चंद्रेश फतावत, बड़गांव मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह राणा, सायरा मंडल अध्यक्ष दिनेश सेन, विधायक दावेदार शंभू गमेती, महिला मोर्चा की ललिता जोशी, सायरा मंडल अध्यक्ष पिंकी नागदा, कलावती सुथार, बसंती मेघवाल, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष किशन मेघवाल, मंडल अध्यक्ष अशोक जोशी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।